इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जिला मुख्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया आजादी की 75वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह। कलेक्टर रत्नाकर झा ने किया ध्वजारोहण, ली परेड की सलामी। डिंडोरी जिला मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में सोमवार के दिन आजादी के 75वें वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया, जिसके बाद कलेक्टर रत्नाकर झा ने परेड की सलामी ली। वही कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित हुए। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित जनों का मन मोहा। डिंडोरी जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण रूप से आयोजित हुआ। सरसों का क्षेत्र लगभग 5 लाख हेक्टेयर और ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्र लगभग 4 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन कर लिया है। अब तक लगभग 60,000 कृषकों द्वारा 1 लाख ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।